पहला है जो हम लोग को सबको मास्क लगाना है और हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है कि हमको वैक्सीन लेना है, कोरोना का वैक्सीन अवेलेबल है, उसका डोज लगाया जाता है, एक आज लगता है, एक 6 से 8 हफ्ते के बाद लगता है। तो वैक्सीन से भी बहुत हद तक आदमी बचता है, यही सब तरीका है। उसके अलावा मास्क जरूर लगाए, हैंड वॉश करे, सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस जरूर करे। अब कोई परेशानी होता है तो उसका जांच सब जगह सारे हॉस्पिटल में मुफ्त में होता है, जांच कराना चाहिए। अगर कोई और परेशानी हो तो कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, उसमें जाकर एडमिट होना चाहिए, जहां पर आपका इलाज हुआ, रहने की व्यवस्था है, खाने। कोरोना का जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण में सर्दी जुकाम होता है, नाक से पानी आने लगता है, सर में दर्द होता है, बुखार होता है। उसके बाद धीरे धीरे लक्षण बढ़ते हुए तेज बुखार होने लगता है, सांस फूलने लगता है, आदमी को बेचैनी होता है, धड़कन बढ़ने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है, किसी किसी को डायरिया हो जाता है, उल्टी भी होने लगता है, किसी किसी केस में तो देह में खारिश भी होती है, किडनी होने लगती है, वैसे हो जाते हैं। ये सर कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, इसमें दवाइयों का नाम सर बता दें। दवा जो दिया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है सुबह शाम, हमें एलएमडी का टेबलेट। एंटीबायोटिक में डॉक्सीसाइक्लिन आम लोगों को दिया जाता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है या छोटे 12 साल से छोटे बच्चे, उनको एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का टेबलेट रोज लेना चाहिए। विटामिन सी की गोली लेनी चाहिए। बी कम्प्लेक्स टेबलेट आता है, उसको खाना चाहिए। एंटी एलर्जिक सेटिजिन आता है, वो उसको लेना चाहिए। विटामिन डी की टेबलेट लेनी चाहिए। जिंक की 50 mg की टेबलेट रोज लेनी चाहिए। एक और टेबलेट आती है आइवरमेक्टिन, 12 mg का टेबलेट रोज रात में खाने के 2 घंटे के बाद 3 दिन तक लेना चाहिए। गार्गल करना चाहिए। और एस्टिमिन एक उपचार रास्ता है, जरिया है। उसके अलावा ट्रीटमेंट, इसका जो जितना भी ट्रीटमेंट देते हैं, कोई ऑथेंटिक फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। जितना भी दवा दे रहे हैं वो बचा, वो प्रोफिलैक्टिक देते हैं, बचाव हो। आदमी इसमें सीरियस हो जाता है तो बहुत महंगी महंगी इंजेक्शन लगती है, जो आम जनों को मिलना मुश्किल है। इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो लोग को वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है। तो बचाव ही एक उपाय है। बचाव सोशल डिस्टेंस से कर सकते हैं, मास्क से कर सकते हैं, नवाज से कर सकते हैं और वैक्सीन लगवा कर सकते हैं। सर, अचानक बीमार पड़ जाने पे क्या करना चाहिए? सर, अचानक बीमार पड़ जाने पर नजदीक के सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना का जांच करवाए, और अगर जांच आपका पॉजिटिव आता है तो आपको वहाँ से किट मिलती है, दवा की किट, कैसे खाना है बताया जाता है। उसका आप होम आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। अगर आपके घर में आपके लिए अलग रूम नहीं है तो कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर भर्ती हो सकते हैं, जहाँ पर खाने का और रहने का सारा व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया है, वहाँ ऑक्सीजन सब कुछ। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग आगे आए और वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन एक उपाय है जिससे आदमी बच सकता है, क्योंकि पूरे महामारी का रूप ले लिया है। वैक्सीन से बचाव हो सकता है। अगर हमारे देश के 70% से अधिक लोग को वैक्सीन लग जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है, जिससे बीमारी को बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। गलतफहमी लोगों के दिमाग में बैठ गया है, ऐसा कोई उसका वैज्ञानिक तथ्य यानी फायदेमंद है, लोग फायदेमंद है, बहुत कोरोना से बचाव का एक जरिया है। अभी तक जो जितना भी वैक्सीन है, टीका है, टीका कोई भी टीका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभी तक जितने भी टीके लगे हैं उससे बच्चे कम मृत्यु दर में कमी आई है, बच्चे कम संक्रमित होते हैं। जैसे पोलियो का पहले बहुत केस मिलता था, पोलियो का वैक्सीन से ही लोग बचे हैं। किसी गांव में आपको पोलियो का बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, और बच्चों का मृत्यु दर सब में कमी आई है टीका से ही। टीका बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है एंटीबॉडी बोलते हैं, जिसे जो कोई वायरस या विषाणु आपके शरीर में गया तो उसको मार देता है, खत्म कर देता है। गांव पढ़ते हैं कोरोना के मरीजों से, क्योंकि डर लगता है कि मुझे भी हो जाएगा कोरोना। ऐसा करते हैं लोग, डरते हैं कि छुआछूत की बीमारी हवा से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है, इसीलिए लोग भेदभाव करते हैं। अगर कहीं कोई भेदभाव करे तो उसको कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दे, जहाँ पर सारी व्यवस्था है। अभी मेरे